मोर दुलारू आयो आपा भाई और बहन मन सब मन के जय जीशु। मैं आज रौरे मन के एक मिशनरी पुरोहित के जीवन के बारे में बताए खोजना। हमरे मन सुन ही बहुत सारे मिशनरी समाज के बारे में, लेकिन हमरे के पता न खे एक मिशनरी पुरोहित के जीवन का लेखे बीतेला। हमरे जनिल पुरोहित बन गेले, सब प्रकार के सुविधाएं और आराम के जीवन मिलेला ठीक, लेकिन जे बेरा एक मिशनरी पुरोहित अपन जन्म माटी आयो आबा भाई बहन रिश्तेदार खान पियान और भाषा इतना तक अपन जन्म देश के छोड़ के ईश्वर के वचन के फैले लेकिन अलग देश जाएला, शुरू में ना तो भाषा जानेला, ना तो खान पियान के रुचि पावेला, ना तो आदमी मन संगे बतिया पड़ेला, ना तो कहीं निदार हो के अकेले ही जाग पड़ेला। शुरू में बहुत ही तकलीफ उठाएला, फिर भी पुरोहित गो जीवन में कहियो हार नहीं मानेला, कारण कि अपन जीवन के सब दिन लगिन ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं और ईश्वर को हमेशा ई पुरोहित भाई के जीवन में सहारा देवे ना, मदद करते रहे ना, और ईश्वर के आशीष और कृपा दृढ़ और मजबूत होते रहेगा, ताकि धीरे धीरे पुरोहित को भाषा के जानेला, सामाजिक दस्तूर के अपनाएला, आदमी मन संगे गोठियाक पड़ेला, मिलनसार होक पड़ेला और मीसा बलिदान करे पड़ेला। ईगो हमार मनुष्य मन इच्छा लेखे नहीं होवेला, मगर ईश्वर के इच्छा और योजना के जरिए ईगो संभव होवेला। तो चलो मोर प्यारे दुलारू आयो आबा भाई और बहन मन, आइज दुनिया के हरे कोना में काम करैया सब मिशनरी पुरोहित मन लगी विनती करब, हमार सामूहिक विनती प्रार्थना के जरिए ओ मनक जीवन में हमेशा सफलता मिली और अपन मिशन काम के आदमी मन के हृदय तक पहुँचे पड़े।